महिला जज के यौन शोषण उत्पीड़न के आरोप के मामले में आखिरकार सीजेआई ने संज्ञान में ले लिया। जज के उत्पीड़न की चिट्ठी पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी, जिस पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि जब जनता को न्याय देने वालों को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो आम व्यक्ति का क्या हाल होगा। वायरल चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने संज्ञान में लिया और मामले की रिपोर्ट को तलब करने का आदेश जारी कर दिया। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल अतुल एम पुरहेकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगने का आदेश दे दिया है। प्रधान न्यायाधीश के इस निर्णय से महिला जज को न्याय मिलने की आस जग गई है। यह मामला तब हाई प्रोफाइल हुआ जब महिला जज ने सीजेआई के नाम एक पत्र लिखा और इच्छा मृत्यु की मांग कर डाला। इसके साथ ही उसने पत्र में अपने दर्द को बयां किया। पत्र में लिखा गया कि लखनऊ के पड़ोसी जिले में तैनाती के दौरान जिला जज ने उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। महिला जज ने कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी और जस्टिस हरकेश राय और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए गई थी, लेकिन वहां से याचिका को खारिज कर दिया गया। महिला जज का कहना है कि जब उसने जांच के दौरान अनुरोध किया था कि जिला जज का तबादला कर दिया जाए तो उसकी रिट याचिका को 8 सेकेंडों में खारिज कर दिया गया। महिला जज का यह भी कहना था कि वह इस पत्र को बेहद दर्द और निराशा में लिख रही है। अब एक सवाल उठता है कि जनता को न्याय देने वाली महिला जज को न्याय ना मिलना क्या दर्शाता है? जब जनता को न्याय दिलाने वाली न्यायमूर्ति को खुद न्याय ना मिले और वह इच्छा मृत्यु की मांग करे तो अदालतों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठना तो लाजमी है। और सवाल की डोर उस अंतिम छोर तक पहुंचती है जहां पर महिलाएं पुरुष प्रधान के नीचे काम करती हैं। जब हाईकोर्ट की जज के साथ शोषण हो सकता है तो अन्य दफ्तरों में महिलाओं की दशा क्या ऐसी नहीं होगी? इस पर भी चंद्रचूड़ साहब को विचार करने और निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अमित तिवारी को इजाजत दीजिए, जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।